ओके नाउ सो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इसका नाम है, और ये जो है ना, ये क्या है, ये है एनहाइड्राइड है बेसिकली, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 है, HNO2 का एनहाइड्राइड है ना। बेसिकली एनहाइड्राइड का मतलब ये है कि अगर हम N2O3 को, N2O3 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें, H2O में डिजोल्व करें, साथ मेरे साथ नोट करते जाना जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, तो क्या बना के देगा आपको, आपको बना के देगा HNO2 बना के देगा। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है ना। आपकी जो सीट है उसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली जो N2O3 होता है, N2O3 इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ NO+NO2। इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, तो ये बनता है N2O3 बनता है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो N2O3 होता है, ये इंटेंस ब्लू लिक्विड होता है ना, इसके बारे में कहते हैं कि ये इंटेंस, इंटेंस ब्लू लिक्विड होता है ना, इंटेंस ब्लू लिक्विड होता है, और या फिर ये होता है पेल, पेल ब्लू सॉलिड होता है, पेल ब्लू सॉलिड होता है, नोट कर लो आप इसको, है ना, ठीक है। या तो इंटेंस ब्लू हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे ये बात समझ में, मैं आपको मैंने बता दी है इसमें। और क्या होगा, ऑन बॉर्मिक्स कलर फिट्स जो, हाँ और जब N2O3 जो होता है वो क्या होगा, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो क्या होता है, तो इसका कलर फेड हो जाता है ना, इस तरीके से। तो थोड़ा सा पढ़ लेना, अपने सीट में भी पढ़ लेना, मेन मेन बातें मैं बता दी हैं। हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर की अगर हम डिस्कशन कर लें कि स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो स्ट्रक्चर का जो डिस्कशन है वो कैसे होगा, देख लो। N2O3 में दो तरीके के स्ट्रक्चर प्रपोज होते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, ये नोट हो गया था आप लोगों का, नोट कर लीजिए। N2O3 का दो तरीके का डिस्कशन प्रपोज होता है, N2O3 का, और वो डिस्कशन है इस तरीके का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होगा सिंगल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करेगा ऐसे करके, और एक डबल बॉन्ड आप ऑक्सीजन वाला बना लो, और एक डबल बॉन्ड आप ऑक्सीजन वाला बना लो। ऐसा करने पर दोनों नाइट्रोजन एटम ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, और नाइट्रोजन एटम 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो तीसरा ऑक्सीजन एटम लगाने का तरीका क्या है, कि आप एक लोन पेयर को क्या कर लेना, डोनेट कर देना ऐसे करके, इस तरीके के बनेगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस तरीके का जब भी N2O3 का स्ट्रक्चर पूछो तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बीच में लगा देते हैं, है ना, ऑक्सीजन एटम को बीच में लगा देते हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन एटम को बीच में लगा देंगे, और ये तरीका जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम को बीच में लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना सही नहीं माना जाता है, इस स्ट्रक्चर को IIT ने माना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को नहीं माना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होता है ये एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एट -30 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये स्ट्रक्चर जो है ना बनाया जा सकता है ना, -30 डिग्री सेल्सियस पर ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 30 जब आप -टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या होगा, तब उस समय ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर और ये वाला जो लोन पेयर है, ये तीनों लोन पेयर में क्या होगा आपस में, ठीक है, रिपल्शन जो है ना उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे ही तुम क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि इनके रिपल्शन जो है ना इफेक्टिव हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से ये जो बीच वाला ऑक्सीजन एटम है वो कहेगा कि यार रिपल्शन को मिनिमाइज करते हैं, और ये जो बीच वाला ऑक्सीजन एटम है वो क्या होगा, वो उठ के यहाँ चला आएगा इसके पास, इस तरीके से जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे चला आता है। तो IIT ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यही था कि N2O3 जो होगा, है ना, IIT ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यही था, है ना, उसमें IIT ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यही था कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्ड N2O3 में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, NN बॉन्ड, तो उसका आंसर यस था, मतलब एग्जिस्ट करेगा, NN बॉन्ड जो था वो क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, NN बॉन्ड जो होता है वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करता है ना, NN बॉन्ड जो होता है वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, N2O3 के अंदर, NN बॉन्ड जो है ना वो एग्जिस्ट माना जाता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक, डन। तो आप ये कर लीजिए, है ना, ऐसा कुछ इसमें ये इंफॉर्मेशन है इसके लिए, और तो कुछ नहीं है,
तो N2O3 की बात हो गई है ना। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑक्साइड है, और वो ऑक्साइड कौन सा है, वो ऑक्साइड है हमारा वो है NO2। NO2 पर डिस्कशन ले आते हैं, NO2 का डिस्कशन ले आते हैं कि NO2 क्या होगा। तो NO2 का जो यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर है एक तो NO2 की, और इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वैसे तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम बोलते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और इसको हम लोग नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड भी बोलते हैं। फोर क्यों, फोर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, उसके आधार पर हम इसका ये नाम भी देते हैं, ठीक है। और NO2 तो आपने अभी जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको याद होगा मैंने नाइट्राइड सॉल्ट NO2- सॉल्ट, मैंने आपको नाइट्रेट सॉल्ट NO3- सॉल्ट के बारे में बताया था। तो ये सॉल्ट के बारे में जब मैंने बताया था आपको, तो ये सॉल्ट में ही क्या होता था, जब आप इनको एसिडिफाइड करते थे तो क्या बनती थी बोलो, पहले NO बनता था, NO के ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता था, NO2 गैस बन जाती थी। NO2 गैस का कलर कैसा था, रेड ब्राउन कलर की गैस थी। तो काफी कुछ आपने NO2 के बारे में वहां पे पढ़ा हुआ है, रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन गैस है ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप एसिडिफाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते थे, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या बनता था, NO2 गैस बन जाती थी। तो वही रिएक्शन लिखी हुई है आपको, मैंने नाइट्रेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ाया था आपको, याद होगा मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट पढ़ाया था। तो नाइट्रेट सॉल्ट की हीटिंग में क्या होता था, NO2 गैस बनती थी मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर अल्कली मेटल को छोड़ दिया जाए तो, सोडियम पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो, बाकी सबको से क्या बनती थी, NO2 गैस बनती थी। ये नोट कर लो आप लोग, है ना, लिखा हुआ स्क्रीन पे। जो रिएक्शन आपकी सीट में आपको दी गई है लेड नाइट्रेट की, PbNO3 होल ट्वाइस की, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें 673 केल्विन होगा इस तरीके से, और 4 NO2 होगा, 2 PbO होगा, और ये O2 हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ऐसा रहेगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो क्या हो जाता है बोलो, वो ब्राउन गैस होगा, ठीक है, ये ब्राउन गैस होगा इस तरीके से, है ना, ये ब्राउन गैस यहाँ पे बनता है। ये मैंने बता रखा है, मतलब ये हो चुका है क्लास में, कई बार हुआ है क्लास के अंदर, तो आपने ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मेन बातें जो है ना NO2 के बारे में वो हम लोग डिस्कस करते हैं, कि NO2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बनाओगे, NO2 के स्ट्रक्चर को जब बनाओगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन ऐसा आएगा और दो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम के होंगे वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे करके, और ये दो जो ऑक्सीजन होंगे ना ये इसको डोनेट हो जाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाओगे तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये बच जाता है ऐसे करके। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसीलिए जो NO2 गैस है वो कैसी लिखी हुई है, आप देखो अपनी सीट में कैसी लिखी हुई है, पैरामैग्नेटिक लिखी हुई है, देख लो आप उस पर, जो सीट का जो लिटरेचर है, सीट का जो पेज है जहाँ पे ऑक्साइड का टेबल बना हुआ है, वहां पे देखो पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से पैरामैग्नेटिक गैस है, और कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ही जो है ना वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है, और ये कलर्ड, ठीक है, कलर्ड गैस है, और कैसी गैस है, एसिडिक गैस है, क्योंकि नॉन मेटल की गैस है तो एसिडिक गैस होगा। एसिडिक क्यों है, एसिडिक इसलिए है कि जो NO2 गैस को जब आप पानी में डिजोल्व करोगे, NO2 गैस को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा HNO3 और HNO2, डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, ध्यान रखना, वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो ये प्लस फोर का स्टेट होता है तो ये प्लस फाइव में चला जाता है और प्लस थ्री में चला जाता है। तो प्लस फोर का नाइट्रोजन एक बार ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, और एक बार प्लस फोर का नाइट्रोजन क्या होता है बोलो, रिड्यूस होता है, इस तरीके से रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, इस तरीके से रहता है। तो दोनों एसिड बना रहे, ये आपको पता है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये आपको पता है नाइट्रस एसिड है। तो NO2 जो है ना एक एसिडिक गैस है, ठीक है, ये आपको मैंने वहां पे पढ़ा रखा है, NO2 जो है ना वो एक एसिडिक गैस है, वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया है ना, ओके, समझ में आ गया, इस तरीके से रहता है। आप याद ऐसे कर सकते हो कि जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर है, बेसिकली ऐसे समझ लो आप कि अगर आप N2O3 को पानी में डिजोल्व करोगे जिसकी प्लस थ्री था, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो तुम्हें ये अपना ऑक्सी एसिड देगा, उसका नाम है HNO2,
नाइट्रस एसिड है ना, तो ये नाइट्रस एसिड बनाएगा क्योंकि जो ये है नाइट्रस एसिड बनाएगा क्योंकि ये जो N2O3 है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है ना, गैस जो है ना, ये क्या होगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये बेसिकली एनहाइड्राइड है किसका, HNO2 का। अगर आप N2O5 को वाटर में डिजोल्व करोगे तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर वाली ऑक्साइड है, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये क्या देगा, ये देगा HNO3 देगा, HNO3 देगा, और ये कौन सा होता है, +5 ऑक्सीजन नंबर का होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो बना देता है। क्लियर हुआ इस वाले काम में? नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके लिए कि तो इस तरीके से होगा। और देखो तो समझ में आ रहा ना, +3 वाला अगर ऑक्साइड आपने डिजोल्व किया तो +3 वाला आपको ऑक्सी एसिड मिला, मिला कि नहीं मिला। जब आपने +5 वाला डिजोल्व किया तो क्या हो जाएगा, +5 वाला मिला। जब आपने +4 वाला डिजोल्व किया तो आपको +5 वाला और +3 वाला दोनों मिल रहे हैं आपको, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि जो NO2 वाला है, NO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, +5 वाला भी बनेगा, +3 वाला भी बनेगा। 5 + 3 / 2 कितना होता है, 4 होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि दोनों ऑक्सी एसिड जो है ना, ठीक है, दोनों ऑक्सी एसिड जो है ना वो बना के देगा, +3 वाला भी बना के देगा और +4 वाला भी बना के देगा। तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन पे चीजें पूछी जाती हैं, है ना, इन पे सब कुछ पूछा जाएगा, तो आप इसे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है N2O4 का डिस्कशन कर लेते हैं, N2O4 का। तो N2O4 जो है ना क्या होता है, इट इज अ डाइमर ऑफ NO2, इट इज अ डाइमर ऑफ NO2। NO2 का जो है ये क्या होता है, ये डाइमर होता है। NO2 का डाइमर मतलब दो NO2 पार्टिकल जब जुड़ते हैं, बेसिकली NO2 का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था अपनी, देखो ये बनाया था ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब NO2 का जो स्ट्रक्चर ये वाला है, ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ना, ये तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे ऐसे करके, तो ये N2O4 बन जाएगा, ये N2O4 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और N2O4 में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि N2O4 में आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, ये यहाँ पे माइनस ये प्लस, ये जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना जानते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऐसे होता है ना, तो इधर की तरफ प्लस लगा देते हैं, इधर की तरफ माइनस लगा देते हैं, एरो हटा देते हैं, ये पता होगा आप लोगों को, है ना, पता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से आप एक बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो आपस में क्या हो जाएंगी, बोलो, वो आपस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो जो NO2 होता है वो क्या करेगा, NO2 दो NO2 मिलके क्या बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं, ठीक है। और N2O4 जो होता है वो क्या होगा, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस सॉलिड हो जाता है, इस तरीके सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और एसिडिक तो रहेगा क्योंकि NO2 है, एसिडिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एसिडिक हो जाएगा। तो ये तरीका है किसके किसके बारे में जानने का, N2O4 के बारे में समझने का, ठीक है। तो जरा पेंसिल डिस्चार्ज हो रही है, तब तक मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, आपको कुछ रह गया हो, छूट गया हो, नोट ना कर पाए हो तो ये नोट कर लो, ठीक है, देख लो कैसे करना, ठीक है, ओके, बोलो अपने डाउट बोल दो आप लोग, है ना, जिसको जिसके हैंड रेज है, हाँ बोलो, चिराग है ना, बोलो, सर हाँ बोलो, ये रिकॉर्डिंग आप क्लाउड पे कर लेते सर, एज सर्वे मिल जाती है हमें। ये तो देता हूँ यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है, ठीक वहां देख लो, देखना ही तो है ना, क्या कहीं भी देख लो क्या फर्क पड़ता है। हार देख बोलो, सर। हाँ हेलो सर, आपने बताया कि N2O4 डाइमर NO2 है सर। हाँ हाँ बिल्कुल,
हाँ सर कुछ कैसे बोल रहे हो, समझ में नहीं आया सर। दो पार्टिकल मिलके ना N2O4, देखो ना दुगना है ना, दो पार्टिकल, ये जो नीचे रिएक्शन लिखी दिख रही है NO2 वाली, तो दो यस NO2 सर। आपस में जुड़ गए और क्या बना लिए, N2O4 बना लिए। स्ट्रक्चर ऊपर बनाया था ना अभी मैंने, ये एक मिनट रुको, मैं बता फिर से बता देता हूँ। यस सर, NO2 का स्ट्रक्चर देखा था सर। सर मुझे ये डाइमर समझ में नहीं आता, डाइमर लिटरली मीनिंग क्या है सर? डाइमर मतलब दो पार्टिकल का जुड़ जाना, दैट कॉल्ड डाइमर। तीन पार्टिकल का जुड़ जाना चार, दैट कॉल्ड ट्राइमर। फोर का जुड़ जाना मतलब टेट्रामर, और बहुत ज्यादा का जुड़ जाना मतलब पॉलीमर, है ना। पॉलीमर जो बनते हैं ना, जैसे एल्कीन वगैरह का पॉलीमर वगैरह बनते हैं ना, जो प्लास्टिक प्लास्टिक जो बनते हैं ना, वो सब पॉलीमर से तो होते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर से इस तरीके से बनते हैं, है ना, ठीक है, आगे समझ में। हेलो, तो ये मैं, ये दो पार्टिकल थे NO2 के, ये दिख रहे हैं ना, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। इन दोनों को आपस में आप इस तरीके से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, N2O4 का डाइमर बन जाएगा, ठीक है। ओके, और किसी का कोई डाउट है जल्दी बोलो। जो आपने ऊपर लिखा था N2O3, उसका नेम डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होगा ना? हाँ, डाइनाइट्रोजन क्या लिखा मैंने उसमें, क्या लिखा है, नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन N2O3 का ना। यस सर। अच्छा, डाइनाइट्रोजन नहीं लिखा क्या, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड लिख देते हैं, N2O3 का स्ट्रक्चर। हाँ, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड होना चाहिए था, इसका नाम लिख दो, यहाँ पे डाई लगा दो, सही कह रहा है, डाई लगा देना ना, डाई लगा देना, या फिर इसका दूसरा नाम होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ऐसे लिख लो। आवाज नहीं आ रही है ना आपकी अमितेश, आवाज आवाज नहीं आ रही सही से, आप टाइप कर दो। अभिषेक आप बोलो, संकल्प आप बोलो। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है क्या वहां पर? हाँ, NO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है पानी में डिजोल्व करने पर, है ना। ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन जो है ना, मैं कहीं मैं पढ़ा दूंगा अभी आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा और बताऊंगा इसके, एक कंसेप्ट होता है छोटा सा, ठीक है, वो पढ़ाना होता है, लेकिन वही है कि कहाँ कौन सी चीज पढ़ा है, ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है इन्होंने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में ही मुश्किल पड़ जाता है, हर चीज इंटरलिंक्ड होती है ना एक्चुअली। तो पढ़ा दूंगा मैं, है ना, ऑक्साइड्स का वाटर के साथ जो रिएक्शन है, अभी आप लिख लो, है ना, आप ऐसे समझ लो कि अगर अभी लिख लो, अभी चलो ज्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा ना, हाँ अभी लिख लो, ठीक है। दो रिएक्शन हाँ है सर, N2O3 N2O5 की सर। हाँ तो ये N2O5 वाला कैसे बोल N2O5 जो है ना, +5 का ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड है, तो ये +5 वाला ऑक्सी एसिड ही बनाएगा। रहा है सर आपने? N2O+4 नहीं, +4 का ऑक्सीजन नहीं कराया, N2O5 जैसा था वैसे का वैसा अपन ने +5 का जो है ना वो बना दिया है, ठीक है। का ऑक्सीजन कराया सर। ओके सर, ठीक नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का होगा वो उस पर काउंट किया जाएगा कैटेलिक नंबर में, NO पे हाँ काउंट कर लिया जाएगा, जब प्लस चार्ज जनरेट होता है ना सेंट्रल एटम पे, जब प्लस चार्ज जनरेट होगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का लोन, ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है अमितेश, वो स्टेक नंबर में काउंट किया जाता है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन का वो किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा, ये हो जाएगा, ये मैं भेज दूंगा PDF, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, आप चिंता मत करो, मैं PDF भेज दूंगा, देख लो थोड़ा सा, है ना, सही कैसे। आज थोड़ा पैर में मतलब जो खड़े हो रहा हूँ तो पैर कांप रहे हैं यार, पता नहीं, थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ डॉक्टर को जाके। चिंता किस बात की, चिंता तो बहुत है, चिंता किस बात की है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। चिंताएं तो बहुत है, एक वीडियो बना के भेजूंगा आप लोगों को, देखना कि सर की क्या चिंता है ना, चिंताएं तो बहुत है। चलो ठीक है, करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं।
रोज सोचता हूँ कि आज मना कर दूंगा रेजोनेंस को, रोज ही सोचता हूँ कि आज आज से नहीं पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाने लगता हूँ। ठीक है चलो, जब तक पढ़ा सकते हैं तब तक पढ़ाएंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड का, वो ऑक्साइड कौन सा है, वो है N2O5 है ना। ठीक है ठीक है, तो N2O5 जो होगा वो क्या होगा, N2O5 की अगर हम डिस्कशन करें तो N2O5 का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में पूछेगा आपसे, और ये अभी आया भी था एग्जाम के अंदर, मैं आपको बताऊंगा सीट के अंदर दिखाऊंगा इसमें, शायद मुझे लगता है मैंने केमिकल बॉन्डिंग की सीट में देखा था ये वाला क्वेश्चन N2O5 का, तो उसमें उसमें रखा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, और आप यहाँ देख लो। तो N2O5 का जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, N2O4 का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको। तो आप क्या करो, बस सिंपल सा है, ये करो पांचवा ऑक्सीजन एटम बीच में लगा दो, यहाँ पे बीच में ऐसे यहाँ लगा दो, देखा रेड पेन से मैंने जो मार्क किया है अभी, वो पांचवा ऑक्सीजन एटम बीच में लगा देना ऐसे करके, तो N2O5 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं, दोबारा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो N2O5 का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या करना, उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से ये N2O4 का स्ट्रक्चर बनाया था आपने ऐसे करके लोन पे यूं करके, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहता है ना, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन, ये जो है ना, ये ऑक्सो एटम कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सो एटम कहलाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था उस आईआईटी के अंदर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑक्सो एटम जो है ना एग्जिस्ट करता है, बीच में वो एटम एग्जिस्ट करता है, जैसे ऐसे ये जैसे कि आपका ये था H4P2O7, तो H4P2O7 में भी बीच में क्या होगा, जब पायरो एसिड बनाते हो ना आप लोग, पायरो एसिड बनाते थे, तो जैसे H3PO4 था, तो H3PO4 में से आप क्या करोगे, एक वाटर पार्टिकल जब हटाओगे तो क्या बन जाएगा, बोलो H4P2O7 बन जाएगा ना, ऐसे करके बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी बीच में जैसे आप बनाओगे तो इसका इसमें भी क्या होगा, बीच में एक ऑक्सो एटम आ जाएगा ऐसे करके, ये इस तरीके से बनाएगा ऐसे, इस तरीके से यू एच टू हटा देना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से यहाँ पे बीच में जो है ना, बीच में क्या करेगा, एक ओ एटम आ जाएगा, तो ये भी ऑक्सो एटम ही है ना, तो ये भी उसके ऐसे कई सारे पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर बेस ही क्वेश्चन था पूरा का पूरा, और ऐसे कई सारे पार्टिकल्स का उन्होंने डिस्कशन किया था उसमें, तो पूरा N2O5 भी उसमें एक स्ट्रक्चर था एक्चुअली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपको ये एटम जो दिखाई दे रहा है ना, ये वो एटम, ये भी आपका बीच में ऑक्सो एटम ही है। ऐसा करके केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन जो होगा है ना, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन होगा कि सीट में मैंने देखा था, जब उस रिलाइवल के समय जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने देखा था सीट में ना, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये नोट कर लो, जिसको नोट करना हो इसमें देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड नाम है इसका, इसका जो नाम है वो है डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड नाम है इसका। ठीक है, सो डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन नंबर जो आती है यहाँ पे कितनी आती है, बोलो, ये +5 आती है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड के अंदर ये रहता है इस तरीके से, और इसमें डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड में अब अगर हम देखें तो 4 इसमें जो ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है कि कितनी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, हो सकती है कितनी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल हो सकती है ना, ये पूछा जा सकता है ऐसे करके। तो ये स्ट्रक्चर यूं बना लेना ऐसे करके, पहले स्ट्रक्चर बना लेना, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्ट करोगे ऐसे करके, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये डबल बॉन्ड है ऐसे, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा इस तरीके से, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा ऐसे। लेकिन ये जो कॉन्जुगेशन है वो बीच वाले जो ऑक्सो एटम है उस पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो तुम्हारे पास जो होगा, कितनी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगी टोटल, एक ये वाली हो जाएगी, दूसरी ये वाली हो जाएगी, तीसरी ये वाली हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। तो टोटल जो है ना, टोटल 4 नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल। ये इक्वल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है ना वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन पेंटोक्साइड के बारे में डिस्कशन हो गया, है ना। इसमें कुछ अभी एक मिनट में डाउट ले लूंगा, आप लोग एक रिएक्शन लिख लो। बनाने का जो तरीका है वो कैसे होगा, बनाने का तरीका ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि N2O5 जो होगा, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। HNO3 का एनहाइड्राइड होता है ना, प्लस 5 में होगा। तो ये ऐसा ही होता है कि जो HNO3 का जो सोल्यूशन होगा, HNO3 का जो सोल्यूशन होता है उसमें अगर हम P2O5 डाल देते हैं, P2O5 डाल दें, या हम इसको P4O10 लिख के डाल दें, जैसा भी है, तो ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या करेगा, ये जो HNO3 है, HNO3 से पानी हटा लेगा। तो जैसा आपने यहाँ देखा था ना इस जगह पे, कि जब हमने N2O5 को पानी में मिलाया था तो क्या बना था, HNO3 बना था, और HNO3 से अगर पानी हटा लिया जाए तो क्या होगा, N2O5 वापस आ जाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है कि N2O5 में N2O जो HNO3 का जो सोल्यूशन था, पानी में जो सोल्यूशन था HNO3 का, उस सोल्यूशन से जो P2O5 है या P4O10, उसने क्या कर लिया, उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी आपने अगर इलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई है क्या, इवन E2 रिएक्शन अगर हुई हो, तो वहां पर भी आपको ये P4O10 और P2O5 जो है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। अल्कोहल की डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस वगैरह में ये लिखा जाता है, तो वहां पे भी आपको पढ़ाया जाता है, एक बार बताया गया होगा अगर अभी तक हुआ है क्लास में, तो इस तरीके से N2O5 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो N2O5 के बारे में कुछ बातें और भी लिखी है सीट में, वो भी देख लो। ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होगा, कलरलेस सॉलिड होगा और एसिडिक होगा, कलरलेस सॉलिड होगा और एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ, किसी को कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो तो वो बता दे, कुछ डाउट हो तो वो हैंड रेज कर दो, है ना, चैट में लिखना हो चैट में लिख दो, है ना, बता दो मुझे। यस अमरेंद्र बोलो, मनीष हाँ बोलो। सर थोड़ा सा पीछे कीजिए, हाँ बोलो, एक मिनट रुको, ये पीछे जाऊँ और देखो बता रुक जाऊंगा थोड़ा सा और। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सर स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ, और पीछे सर उसमें सेम साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ऑपोजिट साइड से। एक मिनट रुको, हो गया सर, थोड़ा सा और पीछे थोड़ा सर, जैसे आपने सेम साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है उसको ऑपोजिट साइड से नहीं बना सकते सर? ठीक है सो सेम साइड से नहीं बना सकते बेटा, है ना। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, सिमेट्रिकल जो है ना वो बनाते हैं स्ट्रक्चर, है ना, हम, है ना, कोशिश यही करते हैं कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बने, है ना, ठीक है, इसलिए ऐसा दोनों तरफ बना। हाँ निखिल बोलो, हाँ बोलो सर, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही, बोलो ना सर। P2O5 के एक बार फंक्शन एक बार और बता दीजिए सर। P2O5 वैसे तो P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के तरह, है ना, ये अपना डिस्कशन हो चुका है P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो P2O5 भी लिखा रहता है, कभी कभी P4O10 भी लिखा रहता है। इसका काम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, है ना। और ये आपको यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ये आपको अल्कोहल, आप चाहो तो लिख लेना वहां पे अपनी कॉपी में, मार्क कर लो कि P4O10 ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग द इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से एल्कीन बनाते समय जब आप H2O हटाते हो ना, अल्कोहल में जो OH होता है ना,
वो OH और एक H एटम आप और हटाओगे बगल वाले कार्बन से, yes, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कोहल से एल्कीन तक पहुंचाने का तरीका भी P4O10 वगैरह यूज होता है ना, तो यूज होगा तुमको, अगर नहीं अभी नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक के, वहां भी आएगा है ना। इस तरीके से तुम्हारे पास दो तीन बार सामने आएगा तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये देख लो, ये हो गया, सबका हो गया, देखो यहाँ तक हो गया, यस सर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ओके। और पढ़ लो यार पीपो इसका थोड़ा सा, ये पहले ये पढ़ लो, पहले सी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीट वगैरह पढ़ लो पहले, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, और क्या है, एक रीड मार देना एनसीईआरटी का, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी में ज्यादा कंटेंट नहीं, लगभग सारा कंटेंट कवर हो चुका है ना, कर देना आखिरी एक बार, अभी तो टाइम है ना, एक बार रीड मार लेना, और क्या है, ट्वेल्थ का तो एग्जाम दोगे ही ना। कभी कभी वॉइस कम हो जाती है, हाँ मैं कभी कभी धीमे बोलने लगता हूँ। हेलो, हाँ अखिल बोलो। सर ये रिएक्शन कैसे होगा ये एक बार बता दीजिएगा। कौन सा? ये वाला सर, N2O5 का प्रिपरेशन। इसने HNO3 से पानी निकाल लिया है, आप ऐसे समझो, HNO3 से पानी निकाल लिया गया है, मतलब ये ऐसे हो रही है, ऐसे समझ लो HNO3 ऐसे करके, तो माइनस H2O करो इसमें, तो देखो N2O5 बन रहा है वरना ये वाला पानी किसने अब्सॉर्ब कर लिया, P2O5 अब्सॉर्ब बाय P2O5 ऐसा हो। सर ऋषभ को क्या हुआ बताओ, ऋषभ हाँ बोलो, ऋषभ बोलो, हाँ ऋषभ क्या हुआ सर, आप जो अभी स्टेटमेंट बताए थे वो एक बार फिर से रिपीट कर देना सर। कौन सा सर? अभी आपने जो बताया था ना कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला कुछ स्टेटमेंट लिखवाया था, एक अल्कोहल वाला, हाँ हाँ सर, हाँ लिख लो, P4O10 इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ अल्कोहल, यस सर, P4O10 इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ अल्कोहल as a dehydrating agent to give alkene, as a dehydrating agent to give alkene, ठीक है, yes thank you sir, हो गया, चलो yes sir thank you, अरे स्टार्ट करें ना, आगे बढ़े, चलो yes, काफी टाइम दे दिया यहाँ पे ना, रुक जा, आगे बढ़ते हैं, है ना, रुको। तो अब वापस आते हैं अपनी उस वाले सीट पर, वापस आ जाते हैं कि सीट में क्या चल रहा है, देखें जरा कहाँ तक पहुँचा दिया। ये हो गया, ये मैंने सारे स्ट्रक्चर बना बना के तुम्हारे ये जो बॉन्ड लेंथ वगैरह का डेटा दे रखा है ना, ये वाला, ये सारा जो डेटा वेटा जो दिया हुआ दिख रहा है ना तुम लोगों को, yes, ये बॉन्ड लेंथ बराबर हो रही है, जो सब कुछ जो है ना देख रहा ना, ये वाला बॉन्ड लेंथ बराबर कर दिया गया है, yes, ये वाला बराबर, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, 151 है, ये देखो 121 है ना, इस तरीके से। तो ये सब डेटा वेटा जो है ना, ये सारा मैंने कर दिया है, टेबल पूरी पढ़ा दी है आपको, ये पूरी टेबल पढ़ा दी है ना, ये वाला पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ लेना चाहिए, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, बाकी लगभग जो है ना क्लास में पूरा हो चुका है, लगभग जो है ना पूरा हो चुका है, ये सब हो चुका है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ क्लास के अंदर, है ना। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है ना, ये अजाइड वाला बता दिया था, नहीं बताया था, ये नहीं बताया, ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट करूंगा, इससे फास्फोरस से, ये हो गया था। तो एलोटोप्स ऑफ नाइट जो है ना, एलोटोप्स ऑफ नाइट्रो इसको देख लेते हैं, है ना, फास्फोरस है ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग कॉपी में, एलोटोप्स ऑफ फास्फोरस, एक काम करो अभी मत लिखो इसको, क्या है अपन अभी नाइट्रोजन पे काम चल रहा था ना, तो नाइट्रोजन वाला ही काम कर लेते हैं ना, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए थे ना, तो आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग करो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना, फिर फास्फोरस का जो बचा हुआ होगा जितना भी कर देंगे ना, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है ना, तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन का डिस्कशन कर लेते हैं, भेज दूंगा मैं ये वाला PDF भी भेज दूंगा,
नहीं बॉन्ड लेंथ याद नहीं करना है, बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट समझा दिया ना, बराबर बराबर और आ जाएगा समझ में कि कहाँ बराबर करना है, कहाँ कैसा करना है, वो सब बता दिया जाएगा, कर लोगे तुम लोग, है ना। तो पहला जो प्रिपरेशन है वो क्या होगा, जो लैब मेथड प्रिपरेशन है नाइट्रोजन का, लैब मेथड प्रिपरेशन है, लैब मेथड प्रिपरेशन है, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें NH4Cl प्लस NaNO2, ये जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो इससे क्या बन के आएगा, NH4NO2 बन के आएगा, ठीक है, और NaCl बन के आएगा ऐसे, ठीक है। और जो NH4NO2 जो होता है, ठीक है, वो NH4NO2 को अगर आप हीट करके क्या करोगे, हीट करते हो तो आपको याद होगा, मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो N2 बनेगा। इस तरीके से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन जो है ना वो हो जाता है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन जो है ना वो इस तरीके से करते हैं। लैब मेथड प्रिपरेशन जो है ना यही दिया हुआ है, उसमें सीट में भी यही दिया, देख लो आप लोग, है ना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये कौन कह रहा है, विराट खुश, एटम को देख नहीं सकते तो बॉन्ड लेंथ कैसे नापा, नहीं बॉन्ड लेंथ वगैरह नापने के तरीके हैं कुछ, आप लोग बॉन्ड लेंथ नापने का तरीका है, आप लोग गूगल सर्च करिएगा NMR टेक्निक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में आप पढ़िएगा, और हाउ टू मेजर बॉन्ड लेंथ वगैरह थोड़ा गूगल करो, पता चलेगा टेक्निक्स जो है ना ये बाहर, मतलब MSc वगैरह में पढ़ाई जाती है, है ना, तो उसमें पढ़ा जाएगा। तो NMR टेक्निक से बॉन्ड लेंथ वगैरह को मेजर किया जाता है कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको फील कर सकते हैं एटम्स वगैरह को, ऐसा नहीं है, दिखते नहीं है, ठीक है, हमको नहीं दिखते बिकॉज हमारी आंख उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इस लेवल पे हमने बना लिए हैं कि हम लोग बॉन्ड लेंथ वगैरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा करो, देखो सर्च करो कैसे बॉन्ड लेंथ लोग मेजर करते हैं, थोड़ा उस पर काम करो, है ना, ठीक है। एक आपको याद होगा, ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया वाला तो पता ही होगा, है ना। एक और भी याद होगा, मैं इसी तरीके से ये लिखता था NH4NO3 लिखता था, इसको डिकम्पोज करते तो क्या बनता था, N2O बनता था, पिछले क्लास में बताया था, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के बारे में बताया था, एक तो ये मालूम होगा। यहीं पे मैंने आपको वो एक्सप्लोजिव वाला रिएक्शन भी समझा दिया था, आज एक बार फिर से लिख देता हूँ क्लास के अंदर। तो ये N2 गैस बनेगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे 2H2O गैस बनेगा, और क्या बनेगा, 3/2O2 गैस बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 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 लिखे जा रहे हैं आपकी क्लास में, तो आप इनको याद रखिएगा, लैब मेथड प्रिपरेशन है, कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बाई हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है वो क्या कहता है, बाई हीटिंग जो होगा, तो अमोनियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये होता है, इसको जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, इसको जब हीट करते हो तो ये क्या बनेगा, N2 बनेगा, और 4H2O बनेगा, और क्या बनेगा, Cr2O3 बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके देख लो, ये हो जाएगा। अग्रिम कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, यहाँ हो गया ये अग्रिम, क्या हुआ, हेलो, ये ठीक है, नोट कर लो, ये लो, जी तो हो गया ना, देख लो, सो बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो ऐसा होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट, अभी मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट को जो है ना हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा देता हूँ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जीरो है और ये प्लस थ्री है, इस तरीके से रहेगा, है ना, हाँ 1/2 ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, ठीक है, विकास, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे 1/2 होगा, दो तो ऑक्सीजन अपन ने यूज कर लिया ना, सही कह रहा है,
ये दो ऑक्सीजन यहाँ आ गए, यहाँ 1/2 लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। और ये N2 बना दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, अभी मैं इसको अभी कुछ देर बाद एक्सप्लेन करूंगा इस रिएक्शन को, अभी रो रहे हैं तो। उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो है ना वो क्या होगा, थर्ड रिएक्शन में एट लोअर टेम्परेचर क्या होगा, एट लोअर टेम्परेचर थ्रू अमोनिया के द्वारा लोअर टेम्परेचर पर कैसे नाइट्रोजन गैस बनाया जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार नाइट्रोजन गैस अगर बनानी है अमोनिया से, तो अमोनिया में नाइट्रोजन -3 स्टेट में है। अब -3 स्टेट से हमें नाइट्रोजन एटम को N2 में ले जाना है, जीरो पे ले जाना है। तो -3 से जीरो में ले जाने वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। -3 से जीरो में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और अगर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा दें, समझो मेरी बात, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा दें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो क्या होगा, तो वो N2 तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे रहता है देख लो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला रिएक्शन मैं आपको लिख रहा हूँ, और वो है रिएक्शन विद क्लोरीन, है ना। फेमस रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन, है ना, Cl2 के साथ रिएक्शन विद क्लोरीन की अगर हम डिस्कशन करें। रिएक्शन विद क्लोरीन में क्या होता है कि अमोनिया जो होगा 8NH3 रहता है, ये एक्सेस में रहता है, और इसमें 3Cl2 मिलाते हैं। क्लोरीन गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसका डिस्कशन मैंने बहुत अच्छे से हेलोजन जब रेडिकल पढ़ा रहा था किसमें, सॉल्ट एनालिसिस में, तब पढ़ाया था, है ना। F2Cl2Br2I2 के जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, और उनके जो एनायन उनकी कैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, F-, Cl- ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन पर अच्छा एक डिस्कशन हुआ था क्लास के अंदर। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये -3 से नाइट्रोजन को कहाँ भेज रहा है, जीरो में भेज रहा है। इस तरीके से आप N2 बना सकते हो, ठीक है। दूसरा एक रिएक्शन और भी होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अमोनिया की जगह तो क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, Cl2 को अगर हम एक्सेस में ले, अमोनिया की जगह Cl2 को अगर हम एक्सेस में लेते हैं, तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है NCl3 बनता है, और थ्राइस HCl बनता है। ऐसे करके ये +3 स्टेट में होता है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, आपने पढ़ा भी था, है ना, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि NF3 को छोड़कर बाकी सारे जो भी नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स हैं वो कैसे हैं, वो एक्सप्लोजिव होते हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये जो नाइट्रोजन के साथ जो अमोनिया की रिएक्शन जो क्लोरीन के साथ है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कंपटीशन है। एक बार अमोनिया एक्सेस में है, देखो आप यहाँ पे कितने मोल यूज हो रहे हैं, 8 मोल, यहाँ पे कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल। तो 8:3 का रेशियो है। तो अमोनिया एक्सेस में है तो N2 बनता है, और जब Cl2 एक्सेस में है, तो Cl2 एक्सेस में है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो किसमें है, एक्सेस में है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में होगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा परफॉर्म होगा, सहमत इस बात से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर एक्सेस में होगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा परफॉर्म होगा। तो हो रहा है ना यार, यहाँ पे -3 से कहाँ पहुंचा है, देखो +3 तक गया, कितने का चेंज आया है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है। जबकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे -3 से कहाँ पहुंचा है, 0 में पहुंचा है। तो यहाँ पे 3 यूनिट का ही चेंज आया है। तो 6 यूनिट का जो चेंज आया है सेकेंड रिएक्शन में, ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकेंड रिएक्शन है। तो जो आपको इसमें जो चेंज आया है, ठीक है, इसमें जो चेंज आया है आपको अमोनिया के केस में, जब क्लोरीन एक्सेस में है तो 6 यूनिट का ऑक्सीजन नंबर में चेंज जो निकल के दिख रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, नोट हो गया, एक बार बता दो मुझे, ये नोट हो गया तो मैं इसके आगे पढ़ा देता हूँ आपको, एक बार नोट कर लो आप लोग, है ना, ठीक है, नोट कर लो इसको, हो गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, और इसके लिए एक रिएक्शन और भी है जो बी रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। बन सकता है ना विराट, सोडियम नाइट्राइड से ही बन सकता है ना,
नोट हो गया देखो, नहीं प्रिपरेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। लैब मेथड में क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस मेनली लेते हैं जो कि इजिली अवेलेबल हो और सॉलिड सब्सटेंस हो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए ना। पहले आप अमोनिया गैस इकट्ठा करो, फिर उसको आप क्या करोगे, फिर उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, है ना, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, डन। तो ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो गया। नाउ हम लोग क्या बात करते हैं इसमें कि 4NH3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3CaOCl2 होता है, इसके साथ एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है CaCl2 बना रहा है, और N2 बना रहा है, और H2 बना रहा है, ऐसे करके ये बना रहा है ना, इस तरीके से। अभिषेक क्या हुआ बोलो, अभिषेक अभिषेक देखो मतलब ये रिएक्शन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी चीजें समझा रहा हूँ, मेरी इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसमें से कौन सी रिएक्शन पूछी जाएगी, देख लो, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, देख लो, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 1 ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज छूट जाए, है ना, कोई चीज छूट जाए। और जिस तरीके से इनऑर्गेनिक का ट्रीटमेंट बाकी जगह पे होता है, और एक एक स्ट्रेटजी ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप इनऑर्गेनिक को अगर आप थोड़ा सीरियसली ले लें कि यार नहीं यार मुझे इनऑर्गेनिक साइड से जो है ना थोड़ा सा निकलना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है, तो इनऑर्गेनिक वो स्पेस है जहां से आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो, और आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का या किसी और टॉपिक जो सब्जेक्ट है आपके उनका लॉस जो है ना नंबर का एग्जामिनेशन के दौरान वो कवर कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो इस पे ध्यान दो, मतलब ये, लेकिन अब इस सब्जेक्ट का नेचर भी ऐसा है, पढ़ाना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना, और क्योंकि काफी कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एकदम जल्दी आता भी नहीं है, है ना, तो इसलिए जो है ना हम लोग हर साल पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना कहीं हर बार नई नई चीजें जो है निकल के आती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है ना, ओके, तो आप ऐसे ऐसे करके आप करोगे तो ठीक रहेगा, और बाकी जो है ना देख लो, कोई अगर बेटर पढ़ा रहा हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, आपके चैट में लिख रहे हैं, तो कोई अगर अच्छा पढ़ा रहा हो तो आप उससे पढ़ लो, है ना, उससे पढ़ लो, ज़्यादा काफ़ी नॉलेज है, और वैसे भी सारी चीज़ें जो है ना आप लोग पढ़ भी सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रिएक्शंस सब जगह लिखी हुई है, सब लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में पढ़ाने वाले, तो वो लोग भी पढ़ा देंगे, है ना, तो उनसे भी पढ़ सकते हो आप लोग, है ना, उनको ढूंढो कौन लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो और अपना फ्यूचर खराब मत करो, है ना, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा नहीं है एक्चुअली ऐसा, क्योंकि आपको उस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं गया, लोग बताते भी नहीं है, अपना अपना काम चला के निकल जाते हैं, 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं, अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग निकल जाते हैं लोग, है ना, तो ये ठीक है जो भी है, मैं अपना काम कर दे रहा हूँ, आपको जितना ठीक लगे उतना आप ठीक कर लो, बाकी ठीक है, है ना। बाकी जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे पता है कि मेरे लिए, मुझे पता नहीं रहता है कि मैं कल जिंदा भी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे इस लेवल तक की परेशानियाँ मेरी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, कि कल होगा भी नहीं होगा मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को किसी तरीके से बैलेंस करके आता हूँ और चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर ठीक है, आप लोग ऐसी सिचुएशन में कभी ना आए, मैं दुआ करूँगा हमेशा, चलो तो ये रहेगा, है ना, ठीक है। अब जैसे अब ये कंपाउंड है, देखो अब जैसे ये कंपाउंड है, अब ये कोई मुझे कहेगा कि भाई ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये कंपाउंड क्यों ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये कंपाउंड क्यों -3 से नाइट्रोजन को 0 स्टेट में भेज रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड के अंदर 2 चीजें हैं, Ca2+ आयन है और OCl- आयन है, ये 2 चीजें आपको समझ में आ रही, सभी को समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे 2 इस तरीके से हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ना इसका जो नाम है,
इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन, है ना, क्या नाम है इसका, हाइपोक्लोराइट आयन नाम है इसका, ठीक है। और ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो Cl2 गैस होती है ना, जब आप इसे पानी में डिजोल्व करते हो तो ये HOCl बनाता है और HCl बनाता है। ऐसे बनने का तरीका क्या है, ये दो Cl एटम ऐसे होंगे, इसके पास सबको पता है वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, ये इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में वाटर जाके अटैच होगा। अब अपनी क्लास में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है कि जब भी वाटर जिस पार्टिकल पे अटैक करता है, ठीक है ना, उसी से OH लग जाता है। तो एक और उसके बगल वाले पे कौन लग जाता है, H लग जाता है। तो दो Cl में क्या होगा, दो Cl में एक Cl पे तो OH लग जाएगा तो HOCl बन जाएगा, और एक पे लग जाएगा H तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये जो HOCl बनता है इसका, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब जो HOCl होता है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, क्यों होता है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ऑक्सी एसिड इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सी एसिड इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के जो लोअर ऑक्सी एसिड होते हैं, है ना, ठीक है, हेलोजन के जो लोअर ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है, तो जो लोअर ऑक्सी एसिड होते हैं जो हेलोजन के, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो इसमें आपको उस जो आपको ये जो HOCl बन रहा है ना, इसी HOCl का जो एनायन है वो ये बनता है। तो यहां से मुझे, जैसे मेरे सामने कभी आएगा ये रिएक्शन, कभी मेरे सामने आया तो मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मुझे OCl- दिखाई देगा, मैं ये तो समझ जाऊंगा कि यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगा। ये मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन परफॉर्म होगा, और इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है, अमोनिया के साथ देखते हो ये N2 तक पहुंचा देगा। थोड़ा वक्त तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ प्रेडिक्शन जो है ना वो समझ में आने लगते हैं, है ना, ठीक है, कि ये चीजें यहाँ पे चल रही होंगी। तो इस तरीके से आप ये कर पाओगे, क्लियर हो गया। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, किसी को कुछ जो है ना, ठीक है, देख लो आपको कुछ रह गया हो तो आप पूछ लो, और यहाँ पे नोट हो गया तो नोट कर लिया हो तो आप नोट लिख लो आप, है ना। लास्ट स्टेटमेंट का रीजन जो है ना ऋतिक, वो एसआरपी वैल्यू से ही आता है ना, एसआरपी वैल्यू से ही आएगा। अभी मैं हेलोजन फैमिली पढ़ाऊंगा, और उस हेलोजन फैमिली में आपको, या अगर आपके पास सीट हो हेलोजन फैमिली का, अगर उसमें दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसके एसआरपी वैल्यूज जो है ना वो दूंगा, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, एसआरपी वैल्यूज से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ना, अब हम लोग बात करते हैं एट हाइट, मतलब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडिंग लिखा था, यहाँ पे हेडिंग लिखा था यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, वो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, एट लोअर टेम्परेचर, है ना, अमोनिया के साथ जो रिएक्शन थी लोअर टेम्परेचर पे थी, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं हायर टेम्परेचर की, तो हायर टेम्परेचर पे कैसे होगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बी पार्ट इसका करते हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया अमोनिया एट हायर टेम्परेचर,
तो एक एक रिएक्शन है आपका, आपका सीट में भी एक रिएक्शन है अमोनिया के अंदर, ये है इस तरीके से एक रिएक्शन लिखी हुई है, और ये हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर होगी, N2 बनेगा और 3CO बनेगा और 3H2O बनेगा, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अमोनिया -3 से कहाँ गया है, जीरो में गया है, तो अमोनिया का तो हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर का क्या हुआ है, 2+ से जीरो में गया है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। तो या तो दो तरीके से आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, या तो आप ये कहें कि अमोनिया ने कॉपर को रिड्यूस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हुआ है ना, अमोनिया ने कॉपर को रिड्यूस किया है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में भेजा है और खुद ऑक्सीडाइज होकर कहां चला गया, N2 में चला गया है ना, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब आप याद करो, पिछली क्लास आप याद करो, जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग हाइड्राइड का NH3 का PS3 का और ASS3 का SBS3 का, इनका क्या कर रहे थे, इनका रिड्यूसिंग पावर का डिस्कशन कर रहे थे पिछले क्लास में, कर रहे थे। तो आपकी कॉपी में लिखा होगा कि मैंने लिखा था कि NH3 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये लिखा था, इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, NH3 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और मैंने कहा था कि PS3 जो है ना, PS3 इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देन अमोनिया। और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें PS3 पास करोगे तो फाइनली आप कहां पहुंच जाओगे, कॉपर में पहुंच जाओगे। तो आपको ये लगना चाहिए कि यार यहां पे ऐसा सर क्या हुआ कि अमोनिया ने जो है ना, अमोनिया ने कॉपर को 2+ से कॉपर में कैसे भेज दिया। अब आप तो डाउट पूछोगे मेरे से कि सर अभी पिछले क्लास में आपने बताया था कि अमोनिया जो है ना वो कॉपर सल्फेट को रिड्यूस नहीं कर पाता, PS3 कर पाता है। अमोनिया के साथ जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया था तो उसने क्या बना लिया था, उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया था। तो रिएक्शन गलत दोनों जगह पर नहीं है, चीजें गलत नहीं है दोनों जगह पर, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखा गया, हाई टेम्परेचर रखा गया, तो जो रिएक्शन नहीं हो रहा था उस रिएक्शन को टेम्परेचर देकर क्या किया गया है, करवाया गया है, है ना। अगर आप हाई टेम्परेचर कंडीशंस नहीं रखोगे इस रिएक्शन में तो अमोनिया कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा कॉपर में और खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया का रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा नहीं है। PS3 अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको ना मिले, उस तरीके से ना हो पाए, ठीक है। तो ये आपका जो है ना रिएक्शन हो गया, इतना कंप्लीट कर लिया मैंने यहाँ तक। अब आप बताओ कि यहाँ पे ये सब समझ में आ गया ना आपको, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें समझ में आ गई है, एक बार हम लोग बता दो मुझे, ये सारा कुछ हो गया आपका, नोट हो गया ठीक है। कुछ पूछना है किसी को क्या, एक बार रुको, कुछ लोग के हैंड रेज है, आलोक निखिल क्या हुआ देख बताओ। हाँ सर, बहुत देर पहले आपने सर कुछ N2O5 का बताया था सर, N2O5 का वो था ना ये बॉन्ड, आपने थोड़े बॉन्ड को स्टेबल कर सर जो वो बॉन्ड इक्वल बताया था ना, हाँ तो उसमें थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा बता दो सर। बॉन्ड वो रेजोनेंस करा देना, उसमें रेजोनेंस का जो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा, ये लिखा हुआ देखो। हाँ सर ये वाला ना, ये तो चारों बॉन्ड लेंथ आपस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस जगह पे और इस जगह पे हो रहा है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, बीच वाले नहीं होंगे ये वाले, ओके सर, है ना सर। थैंक यू सर। विकास, NH3 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है PS3 से, है ना, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, वो ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है ना, ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जबकि PS और ये बॉन्ड बड़ा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा तो इसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का हटना जो होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होने के लिए H एटम को हटना पड़ेगा
और हटने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ है छोटी तो बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, ओके डन, चलो ओके आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेरी प्योर नाइट्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ वेरी प्योर नाइट्रोजन, नाउ वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाने के तरीके हैं, अभी आईआईटी ने पूछे भी थे, आप देख लीजिएगा वहां पे। और दो सब्सटेंसेस यूज होते हैं, एक होता है बेरियम अजाइड, है ना, बेरियम अजाइड यूज होता है, बेरियम अजाइड यूज होता है, और इस तरीके से रहता है, और ये बनाता है बेरियम और 3N2 बनाता है। उसके बाद है सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड था NaN3, ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, तो बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड जो होगा, है ना, इस तरीके से रहता है। नाउ अब इसमें क्या रहता है कि मेरे लिए जो स्ट्राइकिंग फैक्टर था भाई, अगर कोई भी चाहे तो इसको याद ही कर लो क्या दिक्कत है, बेरियम अजाइड डिकम्पोज करके नाइट्रोजन देता है और सोडियम अजाइड डिकम्पोज करके नाइट्रोजन देता है। अजाइड आयन है, यह ध्यान रखिएगा, अजाइड आयन क्या होता है, अजाइड आयन होता है N3 माइनस आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसे लीनियर कंपाउंड, लीनियर आयन होता है, इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, है ना, इस तरीके से बनता है, ऐसे ये बनता है, इसका अजाइड आयन है। मेरे लिए जो सबसे स्ट्राइकिंग फैक्टर था कि यार ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तो मैंने इसके बारे में खोजना चालू किया। जो स्ट्राइकिंग फैक्टर था मेरे लिए वो ये था कि मैंने केमिस्ट्री में देखा है कि Na+ आयन को Na में भेजने की ताकत किसी की नहीं है, Na+ आयन को सोडियम में भेजने की ताकत मतलब कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं, तो ये तो सोडियम उल्टा जाता है, सोडियम जा सकता है, सोडियम Na+ आयन में जाता है, सोडियम तो दूसरों को रिड्यूस करता है, सोडियम को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता, है ना, अच्छा खासा रिड्यूसिंग पावर होता है सोडियम एटम का, है ना, सोडियम एटम का अच्छा खासा। तो मैंने देखा कि यार इस रिएक्शन में सोडियम जो है ना +1 स्टेट से वो तो जीरो में जा रहा है, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, सोडियम आयन जो है ना Na+ आयन से जीरो में चला जा रहा है, वैसे ही जो बेरियम है ना वो +2 से कहां जा रहा है, वो भी जीरो में जा रहा है। तो ऐसा इस रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है कि जो आयन कभी रिड्यूस नहीं हो सकते थे वो हीट करने पर, हीटिंग करीब करीब 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास की हीटिंग है, इस तरीके से हीट करने पर ये जो मेटल है खुद ही रिड्यूस हो गए। तो मैंने ये पाया कि मेरा जो बाद में मुझे जो डेटा जब मैं देखना चालू किया तो मैंने ये पाया कि SRP वैल्यू ऑफ N3 माइनस आयन इज मोर नेगेटिव देन लिथियम एटम। आप सब लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर एक एलिमेंट लिखा गया होगा लिथियम, ठीक है, इस लिथियम का जो SRP वैल्यू लिखा गया होगा लिथियम का, ठीक है, लिथियम का E0 लिखा होगा लिथियम प्लस से लिथियम में जाने के लिए, वो माइनस का 3.05 वोल्ट लिखा गया होगा। कितनों को ये चीज लिखी गई है, कितनों को ये याद है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम जो है, चैट पे लिख के बताओ, आपको पता है कि लिथियम सबसे टॉप पे रखा हुआ था और माइनस में रखा हुआ था, माइनस का 3 पॉइंट, है ना, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव था, है ना, नहीं, फ्लोरीन जो है ना सबसे नीचे है उसमें, ठीक है, तो लिथियम मोस्ट नेगेटिव SRP वैल्यू रखता है ना, लिथियम मोस्ट नेगेटिव, है ना, ठीक है, लिथियम जो है ना वो मोस्ट नेगेटिव SRP वैल्यू जो है ना वो रखता है। और मोस्ट नेगेटिव SRP रखने से क्या आपको ये भी मालूम होगा कि आपको ये कहा गया होगा कि लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बताया गया होगा आपको,
कि लिथियम जो है ना बहुत वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इसकी जो रीजन जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वहां पर क्या हुआ सर, वहां पर 3N2 होगा, 2N3. थ्री एन टू होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे 3N2 ही होगा, यहाँ पे भी 3N2 ही होगा. सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, रिएक्शन सही है ना. ठीक है, सीरीज उल्टा पढ़ा दिया गया था. नहीं, ये वैसा नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना तो लिथियम वाला ही ऊपर रखना चाहिए, फ्लोरीन वाला नीचे रखना चाहिए. कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बोला गया होगा कि लिथियम जो है ना वो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसका SRP वैल्यू सबसे ज्यादा ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है. लेकिन पता है जो अजाइड आयन होता है ना उसका SRP वैल्यू लिथियम से ज्यादा नेगेटिव होता है. तो अजाइड आयन की रिड्यूसिंग पावर लिथियम से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसमें इतनी ताकत बढ़ जाती है ना, इसलिए उसमें इतनी ताकत बढ़ जाती है कि वो सोडियम प्लस को, ये दिख रहा है आप लोगों को, अजाइड आयन का SRP वैल्यू जो होता है वो लिथियम से भी ज्यादा नेगेटिव होता है, उसमें इतनी ताकत बढ़ जाती है कि वो सोडियम प्लस को भी क्या करता है, सोडियम तक भेज देता है, जीरो में भेज देता है. ठीक है, वो जीरो में भेज देता है इस तरीके से. अरे बात समझ में है ना, रिड्यूस कर दिया बिल्कुल, है ना. मतलब कुल मिला के ये है कि सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड जो है ना अपना रिड्यूसिंग एजेंट अपने साथ रखे हुए हैं. तो अगर आप उनको क्या करोगे, अगर आप उनको हीट करोगे तो क्या होगा, वो खुद ही रिड्यूस हो जाएंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड जो सब्सटेंस है वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट अपने साथ कैरी कर रहे हैं, मतलब अपने साथ ही अपना बम लेके चल रहे हैं, एटम बम लेके. तो एनर्जी दोगे तो फट जाएंगे, वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि वो अपने साथ ही अपना रिड्यूसिंग एजेंट रखे हुए हैं और बहुत पावरफुल रखे हुए हैं. जैसे ही आपने रिएक्शन में एनर्जी दी तो उसी रिड्यूसिंग एजेंट ने, किसने, अजाइड आयन ने सोडियम को किया रिड्यूस और अपने आप को किया ऑक्सीडाइज. अपने आप को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा. हाँ, मतलब ये जो है ना, ठीक है ठीक है, तो ये बात सही है, मतलब ऐसा है कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा. मतलब इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि आखिर ये रिएक्शन कैसे हुआ, मतलब वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ. थोड़ा सा मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बताया है ना, कि इस तरीके से अभी लिखता हूँ ना, विकास अभी लिख दूंगा रिएक्शन, है ना, अभी लिख दूंगा, इस तरीके से हो जाएगा. तो आपने लिख लिया है ना, ठीक है. तो ये बात आपको मैंने समझा दी. और बाकी ये रिएक्शन को यूज करते हैं कार बैग्स में, कार के एयर बैग बनाने में यूज करते हैं. जो कार होती है उसमें जो पैसेंजर या ड्राइवर साइड में जो एयर बैग्स होते हैं, हाँ, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ठीक है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और ये क्या करता है, बेसिकली जब कार के एयर बैग में, जब कार के एयर बैग खुलते हैं, ओपन होते हैं, कार के जो एयर बैग होते हैं ओपन होते हैं, तो ओपन इसी जर्क से होता, जर्क लगा तो अजाइड वगैरह जो है ना वो डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज कर जाते हैं इस तरीके से. एक मिनट रुक जाओ. वो डिकम्पोज करके क्या होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिलअप हो जाती है, यहाँ पे N2 गैस फिलअप, और N2 गैस कैसी होती, इनर्ट होती है. तो नाइट्रोजन गैस कोई हार्मफुल आप जो पैसेंजर होता है उसको नहीं पहुंचाती है, वरना पता लगे ऐसी कोई गैस अंदर उसमें एयर बैग में फिलअप हुई जो खुद ही जल जाती है, खुद ही बर्न कर जाती है हाई टेम्परेचर कंडीशन में, तो पैसेंजर हो सकता है एक्सीडेंट से तो बच जाए, लेकिन जो एयर बैग के अंदर जो गैस आई है उसको, वो जल गई, उसमें अचानक आग पकड़ ली और उससे पैसेंजर जो है ना वो खत्म हो गया. तो इस तरीके से क्या होगा कि बेरियम अजाइड और जो है ना ये अजाइड को, सोडियम अजाइड को जो है ना मोस्ट सुटेबल माना जाता है, किसके लिए, कार के एयर बैग वगैरह बनाने के लिए, इस तरीके से रहता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें ये कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने ना. नहीं, डिकम्पो इसमें जो है ना, इसमें जो होगा किसमें, सोडियम अजाइड के केस में इसमें डिकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट है. डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस बनती है और उस नाइट्रोजन गैस जो है ना वो एयर बैग में भर जाती है, तो एयर बैग खुल जाता है और वो खुल जाने के बाद पैसेंजर को ठक लेता है, तो इस तरीके से जो है ना उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता. इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है, कार के एयर बैग में यूज किया जाता है इस प्रोसेस को. ठीक है, ये रहता है. ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं 5 मिनट सीट के अंदर क्या क्या रखा हुआ है इसमें. तो ये कंप्लीट कर लिया मैंने आपको, नाइट्रोजन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है पूरा.
ये कुछ रिएक्शंस हैं, देख लो आप लोग, है ना, ये रिएक्शंस यहाँ पे जो लिखी हुई है लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अंदर, ये जो रिएक्शंस है ये मैंने आपको बता दिए हैं, सारी रिएक्शन जो आपकी सीट में दी हुई थी, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाले अभी बताइए, ये बताई है, ये बताई है, ये बताई है, ये बताई है, ये ओ सी एल मायासाइन है, यहाँ भी ओ सी एल मायासाइन है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये रिएक्शन आप कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। ये बेरियम अजाइड वाला ये पार्ट है, ये वाला पार्ट बता दिया है, है ना, उस तरीके से, है ना, और फास्फोरस के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं यहाँ पे, फिर जो है ना ये अमोनिया वगैरह थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये अमोनिया सारा पढ़ा चुका हूँ, ये वाला ही पढ़ा दिया है, ये सब कुछ पढ़ा दिया है ना, अमोनिया का हीट जो है ना ये सब पढ़ा दिया, ये आपको याद होगा बेसिक मीडियम में मैंने एक रिएक्शन कराया जिसमें अमोनिया बना था, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया था क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में, ये वाला पढ़ा चुका हूँ मैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लगभग काफ़ी कुछ कम्प्लीट लगभग हो गया है ना, कम्प्लीट हो चुका है आपकी क्लास में, ठीक है, हो गया है ना, ओके, क्या रह गया डाउट? हाँ हर्षित बोलो, दिवांशु, अग्रिम, अरे हाँ, मेरा डाउट ये है कि नाइट्रोजन तो वैसे भी एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, क्या तो तब हमें ना लैब में ऐसे बेरियम एजाइड का क्यों यूज कर रहा है? नहीं, वो वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए यूज होगा, नहीं एयर में अवेलेबल तो है, लेकिन एयर से नाइट्रोजन निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब इसमें मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में मेथड नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का, नहीं मेथड आएगा ना, मेथड बनाने का इसमें नहीं दिया हुआ है क्या सीट में यार, सीट एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो गया मेरे साथ, क्या हुआ बाकी लोगों का प्रॉब्लम और मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो नया सीट बनाया हुआ, जो पुराना सीट है, मतलब ये पुराना सीट है, yes, sir. ये पुराना सीट है, अब ये इतना सिस्टमेटिक बना हुआ है, जिस तरीके से ये देखता हूँ तो दिमाग हैपजर्ड हो जाता है कि करूँ क्या, मतलब यहाँ से फॉलो करूँ कि यहाँ से फॉलो करूँ, है ना, अब वो किससे टेस्ट पेपर बना देंगे ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे, तो ये बड़ा ही संकट हो जाता है इसको लेके पूरा का पूरा। ये पुराना सीट मेरे पास जो हम लोग जो मैंने बनाया था जिनमें मेरा कंट्रीब्यूशन था, तो वो वाला सीट अब है नहीं, दूसरा सीट है, प्लस सीक्वेंस बदलते हैं चीज़ें, जैसे कुछ बोलता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा कुछ लाता हूँ तो उसमें वो आपका बैकग्राउंड नहीं होता है तो आप लोग फेज लैग में आ जाते हो, क्योंकि मैं तो क्या पूरी केमिस्ट्री जानता हूँ तो मैं तो सब कुछ यूज़ करता हूँ, तो कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये बस इधर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे ही बताते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हो वही रहा है, जो जो सही है वही बताते हैं, जरूरत क्या है अननेसरी करने की, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन का प्रिपरेशन नहीं दिया है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नहीं दिया, हाँ नहीं दिया यार, नहीं दिया एक्चुअली इसमें नाइट्रोजन का जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, यहाँ पे मेरे पास है नाइट्रोजन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो नाइट्रोजन का है वो कैसे करते हैं, और वैसे भी जो नाइट्रोजन का तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जो है ना, नाइट्रोजन तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई में होती है, आप देख लेना, आप चाहो तो सर्च करके देख लेना गूगल पे, और काफ़ी ज़्यादा हाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ है नाइट्रोजन का, यूज़ होता है, और नाइट्रोजन जो है ना बेसिकली एयर में 79% है, तो हमें क्या करना है एयर को कलेक्ट करना है, कंडेंस कर लेना है, और कंडेंस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो चीज़ें आएंगी आपके पास, ऑक्सीजन आएगा और नाइट्रोजन गैस आएगी लिक्विड फॉर्म में, दोनों क्या आएगी, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसका फिर स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, और स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद नाइट्रोजन अलग होती है और ऑक्सीजन अलग होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं जो नाइट्रोजन होती है वो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो फ्रीज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना उसका यूज़ जो है ना एज ए मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, आप चाहो तो एक मिनट रुको मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, वाइट कलर का एकदम दिखाई देगा, और जो है ना ये
लिक्विड नाइट्रोजन। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी यूज है लिक्विड नाइट्रोजन का, सही कैसा है ना, ये है लिक्विड नाइट्रोजन देखो आप, और ये मतलब काफी ज्यादा वैसा रहता है। ये है लिक्विड नाइट्रोजन देखो, इस तरीके का रहता है। ये रहेगा है ना, सप्लाई भी मतलब जो है ना ये किस करा जाता है सप्लाई, देख रहे हो आप हाथ का, देख रहे हो कैसे, ये देखो कैसा हो रहा है हाथ सब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, देख रहे हैं। यस सर, YouTube पे देखा है ये सब। हाँ तो ये जो है ना काफी यूज है इसका ऐसे तो।